हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं कर रही हूँ या मैं कोई मेकअप लुक नहीं कर रही हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ एमटी या मैंने जिन प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया है उन प्रोडक्ट को मैं दोबारा बाय करूँगी या नहीं, वो रियल में अच्छे हैं या नहीं। और मैं एक वीडियो और भी करूँगी जो कि होगा रिग्रेट बाइंग, मतलब कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें खरीद के सिर्फ मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं और उनने मेरे लिए अच्छा वर्क नहीं किया है, तो मैं उसका भी एक वीडियो ज़रूर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्हें मैं दोबारा से बाय करूंगी या नहीं करूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी कर दें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियोस को मिस ना करें। तो मैं रैंडमली ही ऐसे प्रोडक्ट उठाऊंगी। मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट है बायोटीक का बायो पाइनएप्पल ऑयल कंट्रोल फोमिंग फेस वॉश। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है और इसका प्राइस है 199 रुपीज़। तो इसे मैं दोबारा से बाय ज़रूर करूंगी, बट अभी मैं हिमालय का फोमिंग फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ तो मुझे वो ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो बट ये फेस वॉश बहुत अच्छा है तो मैं इसे दोबारा से बाय ज़रूर करूंगी। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है बायोटिक बायो कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर विथ हिमालय वाटर। तो मैं इसे दोबारा बाय नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं लगा। हालांकि स्टार्टिंग में इसने अच्छा वर्क किया था, बट ये टोनर का मेकअप रिमूवर ज़्यादा लगता है तो इसलिए मैं इसे दोबारा यूज़ नहीं करूँगी, सॉरी दोबारा बाय नहीं करूँगी। अभी फ़िलहाल मुझे हिमालय का क्लेरिफाइंग टोनर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये इसके कंपैरिजन में, बायोटिक के कंपैरिजन में हिमालय का टोनर ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा जेंटल है, तो इसलिए मैं इसे बाय नहीं करूँगी। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है जॉय सनस्क्रीन यूवी प्रोटेक्शन एंड वाइटनिंग लोशन। तो इसका प्राइस है 105 रुपीज़। तो इसे मैंने दोबारा से बाय कर लिया है क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए परफेक्ट है। आप चाहे इसे बॉडी पे अपने यूज़ करें या अपने फेस पे, ये बिल्कुल भी ऑयली या ग्रीसी चिपचिपा नहीं है, स्किन पे काफ़ी लाइट वेट एंड कम्फर्टेबल है, तो मैंने इसे दोबारा से बाय कर लिया है। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है रेवलॉन नेल आर्ट शाइनिंग मैट नेल इनेमल। तो इसमें मेरे पास दो शेड हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो वैसे ये एक्सपायर भी हो चुके हैं और ये ड्राई भी हो गए हैं। तो अगर आप भी इस तरह का कुछ मतलब सर्च कर रहे हैं सिमरी नेल आर्ट, तो ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप चाहें तो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये है कि ये थोड़े से कॉस्टली हैं, थोड़े से महंगे हैं, तो इसलिए मैं इन्हें दोबारा बाय नहीं करूंगी। इनमें मेरा शेड है 530 एंड 260, इसका प्राइस है 375 रुपीज़ ईच। यस, इस 375 रुपीज़ ईच है, तो मैं इसे दोबारा बाय नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं और मैं नेल पॉलिश ज़्यादा यूज़ करती भी नहीं हूँ। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक नेल इनेमल नेल रिमूवर नेल पॉलिश रिमूवर। तो मैंने इसे लोकल मार्केट से बाय किया था, ये शायद 25 या 30 रुपीज़ का था, बट ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके साथ मुझे एक ही प्रॉब्लम थी कि ये मेरे नेल्स को ड्राई आउट कर देता था, जिसकी वजह से मेरे नेल्स बहुत टूटते थे, तो इसलिए मैं इसे दोबारा बाय नहीं करूँगी। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एल्पिन का मेकअप रिमूवल वाइप। तो ये मुझे बहुत पसंद है, अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो एक ट्राई ज़रूर करें। तो इसे मैंने ऑलरेडी बाय कर रखा है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने रोज़ फ्लेवर में लिया था, तो इस बार मैंने इसे लेमन फ्लेवर में लिया है। ये अपना काम बहुत अच्छे से करता है और इसका प्राइस 65 रुपीज़ है। वैसे तो 90 या 95 है, बट हमेशा ये ऑफ रहते हैं। आप किसी भी सुपरमार्केट या मॉल से इसे बाय कर सकते हैं, ये इजीली आपको मिल जाएगा। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है दिव्य गुलाब जल फ्रेशनेस लाइक रोज। तो इसका प्राइस आई थिंक 30 रुपीज़ है, 28 रुपीज़ है, जिसमें आपको 120 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। तो मैं इसे भी दोबारा बाय नहीं करूंगी। वैसे ये रोज़ वाटर काफ़ी अच्छा है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बट इसकी जगह पे मैं यूज़ कर रही हूँ बंजारा का रोज़ वाटर, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आ रहा है। अफोर्डेबल प्राइस तो दोनों का सेम है, 28 इसका भी है, 28 इसका भी है, बट इसमें दिव्य गुलाब जल में आपको प्रोडक्ट क्वान्टिटी ज़्यादा मिलती है, रोज़ बंजारा रोज़ वाटर में प्रोडक्ट क्वान्टिटी कम मिलती है।
बट मुझे बंजारा रोज़ वाटर ज़्यादा पसंद आया है, तो इसलिए मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ और मैं इसे दोबारा नहीं बाय करूँगी। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है बंजारा मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, तो मैं इसे दोबारा ज़रूर बाय करूँगी। वैसे इसमें 5 पाउच होते हैं एक पैक में, तो मेरे पास अभी ऑलरेडी शायद 1 या 2 पाउच बचा हुआ है, क्योंकि मैं वीक में 1 से 2 बार मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक ज़रूर यूज़ करती हूँ अपने फेस पे। और ये मुल्तानी मिट्टी फेस पैक मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इसका वर्क बहुत अमेजिंग है और साथ ही साथ इसकी स्मेल भी बहुत प्लीजेंट है, जो देख बहुत अट्रैक्टिव करती है या लगती है। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है बेला कॉटन पैड, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा पैक था, यहाँ तक ये फुल होता है, तो मैंने इसे पूरा यूज़ कर लिया है और मैंने इसका सेकंड पैक भी बाय कर लिया है। तो स्टॉक में रखना ज़रूरी होता है, तो क्योंकि कॉटन पैड या कॉटन बॉल्स हमें डेली में 1 या 2 बार यूज़ करना होता है, 2 बार तो कंपलसरी है यूज़ करना होता है, तो मैंने इसका सेकेंड भी बाय कर लिया है। जब मैंने इसे बाय किया था फर्स्ट, तो ये मुझे मिला था 95 रुपीज़ में, बट अभी इसका प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो इसका प्राइस अभी हो गया है 119 रुपीज़ या 120 रुपीज़, जिसमें आपको 80 पैड्स मिलते हैं, 80 पीसेज मिलते हैं। वैसे ये बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉटन पैड हैं और ये आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पे या जनरल स्टोर पे सुपरमार्केट में इजीली मिल जाएगा, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। मैंने इसे लोकल स्टोर से ही बाय किया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जिन्हें मैं दोबारा से बाय करूंगी या नहीं, ये आज के वीडियो में आपने देखा। मैं एक अलग से रिग्रेट बाइंग का भी वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं। और एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले या फिनिश करने से पहले, कि ये सभी मेरी ओपिनियन है कि ये इन प्रोडक्ट ने मेरे लिए अच्छा वर्क किया है या नहीं। आप अपने स्किन टाइप या अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं या नहीं बाय कर सकते हैं, और ये भी नहीं है कि इनने मेरे लिए अच्छा वर्क नहीं किया है तो आपके लिए भी नहीं करेंगे, या आपके लिए अच्छा वर्क किया है तो मेरे लिए अच्छा वक्त नहीं किया है। मैं किसी भी ब्रांड की बुराई नहीं कर रही हूँ या फिर किसी भी ब्रांड को बुरा नहीं बोल रही हूँ, बस ये होता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, ये मायने रखता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, होप मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।